हेलो, कैसे हो बच्चों? आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। और रियल नंबर में जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर के ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। और किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आप पहले से जानते होंगे। आज हमें सीखना है इरेशनल नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह से काम करता है और कैसे करेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं आज, है ना, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो टॉपिक का नाम है आज का मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं जैसा कि आपको पता है। एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर्स का क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। लाइक 2 by 3 + 3 by 5, अब ये हो गया 10 + 9/15, तो ये हो गया 19/15। ये रैशनल नंबर है ना। ये दो रैशनल नंबर हैं और उनका एडिशन किया तो ये भी क्या आ गया? एक रैशनल नंबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन दो रैशनल नंबर का करें, सब्ट्रैक्शन, तो ऐसा होगा कि 3/5 - 2/7, ऐसा कुछ। 7 × 3 = 21, −5 × 2 = 10, upon 7 × 5 = 35, दैट इज 11/35, और ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के रैशनल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के रैशनल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा रखो, अगर मल्टीप्लिकेशन करें रैशनल नंबर का तो क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर। लाइक 2 by 3 मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ पहले, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 × 4/7, ऐसा कुछ। 4 × 3 = 12, upon 7 × 5 = 35। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब। और उसके बाद अगर डिवीजन हो तो डिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक 3/5 / 2/7, ऐसा कुछ। तो 3/5 डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं और बाद वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21/10, ये भी आंसर होगा। तो रैशनल नंबर में तो ये सारी बातें आप जानते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर जब अकेले हो या रैशनल के साथ हो, इरेशनल ही कहलाता है। इरेशनल नंबर ओनली इरेशनल टर्म्स और इरेशनल नंबर विथ रैशनल टर्म्स इज ऑल्सो एन इरेशनल। इरेशनल ओनली इरेशनल टर्म्स, एक ये तरीका हो सकता है। एक दूसरा हो सकता है, थोड़ा सा इसे ऐसे लिख देता हूँ। इरेशनल नंबर में ओनली इरेशनल टर्म्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दो तरह के होंगे। एक ओनली इरेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स है ना, जैसे √3, √5, q √7,
एटसेट्रा, यह। और दूसरा होगा कि हैविंग रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, एंड इरेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स, ठीक है। लाइक 2 + √3, 3 - √7, 5 / √2, एटसेट्रा। ये सब नंबर जो है इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही टर्म्स है। तो ऐसे नंबर्स में ये ऑपरेशन कैसे लागू होगा? तो इसमें एडिशन अगर करना है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अनलाइक, इसमें भी लाइक रैशनल और इनलाइक अनलाइक रैशनल होते हैं। लाइक रैशनल टर्म्स, लाइक रैशनल टर्म्स क्या होगा, जैसे √2, 3 √2, 5 √2, 10 √2, ये सब क्या हो गया, लाइक, ये हो गया। और अनलाइक रैशनल टर्म्स क्या हो गया, अनलाइक रैशनल टर्म्स, रैशनल टर्म्स लाइक √2 एंड √3 एंड √5, ये सब क्या है, ये अनलाइक। इनमें यहां पे आप जैसे 3 √3, 5 √3, 7 √3, इन सब में, इनमें और इनमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है और ये एक यूनिलैटरल टर्म देगा, एक ही टर्म देगा ये, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो। इसमें एक टर्म नहीं होंगे, जितनी बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे उतने टर्म्स होंगे। जैसे √2 + √3 हम यही लिख सकते हैं, इसमें और कोई एडिशन नहीं हो सकता। बट अगर लिखा हो कि 2 √2 + 3 √2, हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3 √2 को मैं ले लो और ये हो गया 5 √2। तो इसमें एडिशन भी संभव है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी संभव है। जैसे 7 √3 - 5 √3 ये करना है तो आप लिख सकते हैं 7 - 5 √3, दैट इज 2 √3। या सिंपली ये समझे जैसे 7a - 5a, 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा 2a होता है और a के जगह पर क्या है √3, तो ऐसे ही 2 √3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर ये अनलाइक रैशनल है तो √5 + √3, √5 - √3, √5 - √2, इससे आगे कुछ नहीं किया जा सकता, यही रहेगा ये, ठीक है ना। तो अनलाइक रैशनल टर्म्स को हम एडिशन का सिर्फ साइन दे सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का सिर्फ साइन दे सकते हैं, लेकिन उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इस तरह से, जिस तरह से लाइक रैशनल टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें अगर मान लो कि इस तरह के हो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म्स हो तो क्या करेंगे? तो इस तरीके का 2 + √3 + 5 + √2, ये दो रैशनल टर्म्स है मान लो, तो ये दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स और इनको जोड़ना है, तो इसमें रैशनल पार्ट कैन बी एडेड विथ रैशनल ओनली, ये रैशनल रैशनल के साथ जुड़ेगा और इरेशनल इरेशनल के साथ जुड़ सकता है तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता तो ऐसे ही रख देंगे। जैसे 2 + 5 = √3 इरेशनल एंड √2 इरेशनल, 5 + 2 = √2 + √3, ये हो गया आंसर। तो इतना ही हम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन हो इनका कि 3 + √5 - 2 + √3 ऐसा कुछ ये है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 + √5 - 2 - √3। अब 3 - 2 क्या हो गया, 1 + √5 - √3 ऐसे लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर लाइक रैशनल टर्म्स हो तब क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 3 √2 + 5 √2 + 2 - 3 ऐसा कुछ, तो हम रैशनल को रैशनल के साथ ट्रीट करेंगे, 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1, एंड 3 √2 + 5 √2 = 8 √2, तो इस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लाइक रैशनल होंगे तभी हम प्लस कर सकते हैं, अगर अनलाइक रैशनल होंगे जैसे यहाँ है तो उसको ऐसे ही लिखना होता है। इसका मतलब हुआ कि
एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. एडिशन ऑफ टू और मोर इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इज ऑलवेज इरेशनल ऑलवेज इरेशनल नंबर. क्या सब्ट्रैक्शन के साथ भी हम ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हो सकता है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है, दूसरा नंबर भी 3√2 हो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे बाद क्या मिलेगा? जीरो, जो कि रैशनल हो सकता है. ठीक है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन यही अगर 3√3 हो और प्लस माइनस 2√2 हो, तब तब ये इरेशनल ही रहेगा. तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. तो सब्ट्रैक्शन के साथ तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एडिशन के साथ कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर. टू और मोर इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. अब मल्टीप्लीकेशन के बारे में क्या ख्याल है? तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इरेशनल नंबर का, ध्यान से देखो. मल्टीप्लीकेशन जैसे 2+√3 इंटू 5+√7 ऐसा कुछ करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे? तो इसको हमें करना होगा इस तरह से, 2 इंटू क्या 5+√7 प्लस, ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, +√3 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई 5+√7. ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10 +2√7 +3 इंटू 5 5√3 +7 इंटू 3 √21 ऐसे. 7 इंटू 3 अगर दो अलग अलग हैं ध्यान रहे, तो उसको इकट्ठे लिखा जा सकता है. जैसे √3 इंटू √2 एक ही रूट के अंदर 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है ना, दैट इज √6 ऐसे लिखा जा सकता है. इसलिए हमने √3 इंटू √7 को √21 लिख दिया. अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक रैशनल टर्म्स है. ये √7 है, ये √3 है, ये √21 है, कोई भी इसमें लाइक रैशनल नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ और नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने देंगे. और अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा तो उसकी बात अलग है, तब हम डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे. इसी तरह से अगर डिवीजन हो, मान लो 3+√5/2-√3 ऐसा कुछ, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह के डिवीजन को कैसे करेंगे? तो इस तरह के डिवीजन को करने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कहते हैं. रैशनलाइज क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. 2+√3 and 2+√3 इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. डीआर का मतलब डिनोमिनेटर. अगर ये प्लस वाला माइनस है तो उसका कंजुगेट प्लस वाला होगा तो उसका कंजुगेट माइनस वाला. इसी से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमें करना है. तो इसके हम क्या करते हैं, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या होगा बताओ? अब ये हो गया 3 times of 2+√3 + √5 times of 2+√3 और नीचे में है a-b a+b. a-b into a+b होता है a² - b² तो हम नीचे लिख देंगे a के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर, b के जगह पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर. ये हो गया 3 into 2 6+3√3 + 2√5 और √3 into √5 is √15. नीचे हो गया 4-3 और 4-3 क्या हो गया 1. तो ऊपर में मिल गया 6+2√5 + 3√3 + √15. किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. और नीचे क्या बच गया 1, और 1 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं. तो इस तरह से डिवीजन जो है उसको रैशनलाइजेशन के मेथड से करते हैं,
इसको कहते हैं मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जो इरेशनल नंबर है उसको रैशनल बनाने के लिए इसको जो कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है इसे वो कहते हैं मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। यानी ए प्लस रूट बी है, नीचे सी माइनस रूट डी है, तो हमें सी प्लस रूट डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट का मतलब जुड़वा, प्लस का जुड़वा कौन माइनस, और माइनस का जुड़वा कौन प्लस। तो ऐसे तो इस तरह से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रैशनल बना देंगे। नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा रैशनल, नीचे इरेशनल टर्म अच्छा नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 + √5 अपॉन 2 - √5 ऐसा लिखा, चाहे 2 + √5 तो हम इसके, या 3 + मान लो, छोड़ो 2 बहुत हो गया, 3 + √5 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने, सिंप्लीफाई करना है, अगर मान लीजिए कोई कहे कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 + √5 3 + √5, यहाँ 3 - √5 इसका कंजुगेट हुआ, इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 times of 3 - √5 + √5 times of 3 - √5, और नीचे में हो गया a + b a - b, a² - b² √5 का whole square। तो क्या हो जाएगा, अब ऐसा अगर करें तो ये मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, 7 × 3 = 21 - 7 √5 + 3 × √5 3 √5 3 × 5 ये 7 × 3 7 × √5। अब √5 × √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और प्लस माइनस माइनस, √5 × √5 5 होता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 होता है। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, जैसे √5 है इसका स्क्वायर करते हो तो √5 का मतलब होता है पावर हाफ, और ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 से 2 कट जाता है, 5 का पावर 1 यानी 5। तो किसी भी नंबर का रूट अगर लिखा है और उसका हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, वो रूट हट जाएगा, ध्यान रहे ये बात, रूट हट जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करने से √5 हट जाएगा, और √5 × √5 मल्टीप्लाई करने से भी क्या हो जाएगा 5। अब रैशनल टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और इरेशनल को दूसरे साथ। 21 - 5 कितना हो गया 16, और 7 √5 + 3 √5 7 √5 माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे, और 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे, दैट इज 4 √5। नीचे में क्या बच गया, 9 - 5 = 4। अब ये हो गया 16/4 - 4 √5/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से ये 4 times कैंसिल, और बच गया 4 - √5, और ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से किसी नंबर को अगर सिंप्लीफाई करना है, किसी नंबर को सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके कंजुगेट से जो डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म्स हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते। आइए अब कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये सवाल है, लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर इज एज रैशनल और इरेशनल, ये बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो ये है रैशनल और ये है इरेशनल। रैशनल का इरेशनल के साथ एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लीकेशन करो या डिवीजन करो, रहेगा इरेशनल ही। सो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट वन, इवन वन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना, एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो विल बी इरेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो किसी भी रैशनल से चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लीकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, रहेगा इरेशनल ही। तो पहला सवाल हम लेते हैं, और पहला सवाल जो है उसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए।
सवाल है 2 -√5, 2 क्या है? रैशनल, और क्या है? इरेशनल। तो क्या हो जाएगा? रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस इज इरेशनल। आप चाहो तो लॉजिक लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ, लिख देना, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। डिफरेंस हो, एडिशन हो, या डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन हो, या डिवीजन हो, रहेगा इरेशनल। ये बात कहीं जरूरत हो तो आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल है, 3 + √23 -√23, ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, लेकिन ये चूंकि लाइक टर्म्स हैं, तो हमने बताया था कि लाइक टर्म्स क्या हो सकते हैं, उसमें ऑपरेशन लागू हो सकता है। तो ये हो गया 3। इसलिए हमने कहा था कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरली इरेशनल, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया? 3। और 3 क्या है? रैशनल। 3 जे रैशनल, ठीक है। अब अगला सवाल में लिखा है कि 2, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, 2√7/3√7, √7 कैंसिल, 2/3 दैट इज इन फॉर्म ऑफ p/q, सो दिस इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। इसी तरह से चौथा जो सवाल है वो है 1/√2, 1/√2 चौथा सवाल है, 1/√2 ये है रैशनल डिवाइड बाई इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल हो गया। डिवीजन ऑफ रैशनल बाई इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। और अगला क्वेश्चन है, पाई इज इरेशनल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2π, 2π इज एन इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसमें है, एक है ये रैशनल और दूसरा है इरेशनल, ये है इरेशनल और ये है रैशनल, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा आप कर सकते हैं। आप लॉजिक लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इज ए रैशनल नंबर एंड पाई इज एन इरेशनल नंबर, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह से ऊपर डिवीजन के लिए भी लिख सकते हैं। अब ये सब जो कुछ क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब इनके बीच में क्या साइन है? कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन इसमें लगाना है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 times ऑफ, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 2 + √2 + √3 times ऑफ 2 + √2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6। आगे लिख देता हूं इसी लाइन में, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, और यही हो गया आंसर। क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इसमें कुछ एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने की नौबत आए, लिखा हो कि डेसिमल एक्सप्रेशन करना है, तो आप इसको √2 की जगह पे 1.414, √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? अगर जरूरत हो तो, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हो तो यहाँ 3 × 1.414 लिख सकते हो। 1.41 दो डेसिमल प्लेस तक काफी है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कितने प्लेस तक करना है। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 3 डिजिट ले लो। 2 × √3 का 1.732 होता है, दो ही ले लिया यहाँ पे भी, और √6 का 2.242 होता है, तो 2.42 ले लेते हैं इसमें भी, तो ये आ गया 2 place of decimal तक। तो अब ये हो गया 6 + 4.242, और ये हो गया 3.56, है ना, 4.6, और ये हो गया 2.42। अब ऐसा करने से ये सारा प्लस हो जाएगा, ये हो गया, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसको लिखते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 एंड 3 1 जा 3 एंड 1 4,
ठीक है, तो ऐसे अब प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 7 2 14, ठीक है, 2 + 6 8 + 3 11, 11 सो 1 कैरी 1 एंड 4 1 5 एंड 4 9 एंड 2 11 अगेन 11 1 कैरी 1 एंड 2 1 3 3 6 एंड 14 एंड 6 16, सो 16.11 ये हो गया आंसर। बट यूजुअली आपको स्कूल में इतना ही लिखना होता है, अगर टीचर इंसिस्ट करें कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तब ऐसा लिखना होगा। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखा होता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तब हम ऐसा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल जो है ये है a+b a-b, ध्यान से देखें तो ये बहुत ही आसान है, a+b और a-b, यानी 3 + √3 एंड दूसरा है 3 - √3, a+b a-b, a² - b² √3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आंसर। तीसरा जो सवाल है वो है √5 + √2 का होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर की तरह हो गया, आपको पता है a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b होल स्क्वायर होता है a² + a+b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² तो वैसे ही यहाँ पे लगा दिया, क्या हो गया, a² √5 का स्क्वायर + 2 √5 √2 + √2 का होल स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। अब √5 का स्क्वायर हो गया 5, 2 √5 √2 √10 एंड √2 का स्क्वायर 2, 2 और 5 ये दोनों रैशनल है, ऐड हो जाएंगे 7 + √10, ऐसा आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है तीसरे दूसरे की तरह, √5 - √2, √5 + √2, √5 + √2 * √5 - √2, a+b a-b, a² - b² यानी 5 - 2 = 3, और ये आंसर हो गया इसका 3। तो ये 3 आंसर हो गया, यहाँ 7 + 2 √10 आंसर हो गया, यहाँ पर 6 आंसर हो गया, है ना, और यहाँ पे 16.11 आंसर हो गया, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखे तो। इस तरीके से आप ये सारे सवाल कर पाए और समझ पाए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होता है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इस पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं घर में बैठे। रैशनलाइजेशन क्या होता है और उसका नाम रैशनलाइजेशन क्यों है, क्योंकि इससे इस मेथड से हम क्या करते हैं, इरेशनल टर्म्स को रैशनल बना देते हैं, है ना, इरेशनल टर्म्स को क्या बना देते हैं, रैशनल, इसलिए इस मेथड को रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप घर पे पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर बची हुई एक्सरसाइज को हम ब्रेक के बाद फिर करते हैं। ठीक है।